खबरों की जीनत रहने वाली पाकिस्तान की मरूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली से शादी का दावा किया, जिसके बाद हरीम शाह के अकाउंट से एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें एक हाथ हरीम शाह था। तस्वीर के कैप्शन में हरीम शाह ने अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा था, ताहम बाद अज़ां हरीम शाह ने यह तस्वीर डिलीट कर दी थी। इस तस्वीर में देखा गया कि हरीम शाह के शोहर ने हाथ में महंगी घड़ी और अंगूठी पहन रखी थी। हरीम शाह ने अपने शोहर से मुतलक मजीद तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया, ताहम हरीम शाह के इस दावे के बाद खलबली मच गई। हरीम शाह ने जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली से शादी का दावा किया, तब से ही अरकान सिंध असम्बली एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू होने के साथ साथ अरकान ने अपने हाथों की तस्वीर भी ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दी हैं। ताहम ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि आहर हरीम शाह किस रहनुमा रुकन सिंध असम्बली से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई हैं। वाज़ेह रहे कि हरीम शाह ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में शादी की तस्दीक की। टिकटॉकर हरीम शाह ने बताया कि मैंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी कर ली है। अलबत्ता हरीम शाह की जानब से शोहर का नाम नहीं बताया गया। हरीम शाह ने कहा कि मैं जल्द शोहर का नाम और शादी की तफसीलात के हवाले से मदाहों को आगाह करूंगी। हरीम शाह के इस दावे ने इनके मदाहों को भी तजस्स में मुबतला कर दिया। हरीम शाह के मदाहों ने इनके शोहर के बारे में कई अंदाजे भी लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस हवाले से हरीम शाह की जानब से हतमी बयान सामने आने का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसमें वो अपने शोहर से मुतलक तफसीलात फराहम करेंगी।